हेलो फ्रेंड्स टुडे आई एम गोइंग टू शेयर माय सेकेंड पोस्ट डॉक्टरल इंटरव्यू एक्सपीरियंस व्हिच आई हैव गिवन एट द स्कूल ऑफ़ मैकेनिकल इंजीनियरिंग सैंडंग यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी चाइना वहाँ पे एक प्रोफेसर है प्रोफेसर युबिंग तियान उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया था सो टुडे मेनी इंफॉर्मेशन आर देयर हाउ आई हैव केम टू नो अबाउट दिस पोजिशन हाउ आई हैव कॉन्टेक्टेड हिम एंड वाट इज द सैलरी पैकेज यू शुड डू पोस्टर फ्रॉम चाइना और नॉट एंड मेनी मोर इन्फॉर्मेशन सो चलिए इसको चालू करते हैं सो so, सबसे पहला सवाल ये आता है कि मुझे कैसे पता चला सो इट इज़ वेरी सिम्पल एक्चुअली इन लास्ट वीडियो ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू इफ योर पब्लिकेशन इज वेरी गुड देन यू विल गेट द पोड वेरी इजली सो एक्चुअली इन्होंने मेरे गाइड को एक मेल किया था मेरे सुपरवाइजर को पी एच डी सुपरवाइजर को और मुझे भी इन्होंने मेल किया था सो एक्चुअली ही सीन माई पेपर बिकॉज हीज एरिया माई एरिया टोटली सेम सो ही सीन both so he has sent a mail to my supervisor and also he has sent a mail to me also that was a advertisement already he has a vacancy he has made advertisement that will also I share with you and that advertisement uh, my supervisor and to me also he has sent i think he has seen my paper so from there he has got my इन्फॉर्मेशन मेनी पेपर आई एम द कॉरस्पॉन्डिंग ऑथर सो ही हैज़ गॉट माई इन्फॉर्मेशन फ्रॉम दैट पेपर एंड ही हैज सेंट मी अ मेल सो ये बहुत सिंपल था अब आता है कि इंटरव्यू एक्सपीरियंस कैसा था सो बिफोर स्टार्टिंग इंटरव्यू एक्सपीरियंस वन थिंग आई वॉन्ट टू टेल यू शेयर यू दैट इन मंथ ऑफ दिसंबर इन टू थाउजेंड ट्वेंटी वन ही सेंट मी ए मेल and that time only a synopsis a synopsis I have completed and I have not completed only thesis submission was in progress thesis submission progress में tha तो उस समय मेरे senior से ये feedback था कि China से portog नहीं करो मतलब नहीं कहीं होता है तो China से portog करो तो मेर मुझे इतना बहुत ज़्यादा मन नहीं था China में जाने का और उस समय कोरोना भी था तो आई वज नॉट इंटरेस्टेड सो क्या हुआ कि उसके बाद मैंने उनसे कांटेक्ट नहीं किया एडवर्टीजमेंट आने के बाद सो so, so, मैंने उनके दो महीना बाद कांटेक्ट किया डेढ़ या दो महीना बाद सो so, इन मंथ ऑफ फरवरी सेकेंड वीक आई हैव कांटेक्टेड देन आल्सो ही रिस्पॉन्डेड वेरी क्विकली और उसके बाद तो उन्होंने अगला दिन ही मेरे साथ मीटिंग सेट कर दिया इंटरव्यू के लिए सो so, ऐसे ही यह हुआ था दो महीना के बाद मैंने लगभग उनको कॉन्टेक्ट किया था सो दैट टाइम ऑलरेडी थे सबमिटेड एंड आई वॉज वेटिंग फॉर माई डिफेंस सो इन बिटवीन आई वॉज सर्चिंग फॉर अदर पोजिशन सो इन मंथ ऑफ मार्च ऑलरेडीड आई हैिवेन फॉर द यूनिवर्सिटी ऑफ इडन वर्ल्ड सो इन बिटवीन आई हैव गि दिस इंटरव्यू फॉर द चाइना सो so, uh, फरवरी सेकेंड वीक में इन्होंने मुझे मेरा इंटरव्यू हुआ था तो इसमें अब क्वेश्चन आता इंटरव्यू एक्सपीरियंस कैसा था सो द सेम द वॉट आई हैव टोल्ड इन द यूनिवर्सिटी ऑफ इट डू इट वॉज ऑल्सो देयर इट वॉज एक्चुअली इंट्रैक्शन सो हेयर वाट हैिफोर ये टोल्ड मी हाउ टू प्रिपेयर द स्लैट द सेम वे द इनिशियली फोर टू फाइव स्लाइट आई हैव टू प्रिपेयर Uh, with my academic background, with my introduction, you can say academic background with marks, papers and patents, PhD from where I have done my PhD, and what are the uh, what is the research scope in my area? Then I have to present my PhD work in detail, any achievement or any experience I have uh, that initially four to five slide, and uh, the PhD research work in detail. एंड लास्टली लास्ट इन लास्ट आई हैव टू प्रजेंट माई फ्यूचर स्कोप इन विच एरिया आई वॉन्ट टू वर्क सो इतना सारा मुझे प्रजेंट द सेम वट वी आई हैव प्रजेंट इन दूनिवर्सिटी ऑफ डेनवर द सेम सो ये बहुत ही सिंपल था और ये इंट्रेक्शन प्रोसेस था सो अगला दिन जब यह मीटिंग हुआ था ये सुबह में नौ या दस बजे के करीब ये मीटिंग हुआ था फरवरी सेकेंड वीक में सो so, उसमें मैंने अपना सारा जो प्रेजेंटेशन दिया उसके बाद ही हैज आस्ड मी बेसिक क्वेश्चन एंड हीज पी एच डी स्टूडेंट्स वेर ऑल्सो देअर ही वी आर ऑल्सो प्रेजेंट दे वी आर ऑल्सो प्रजेंट इन दैट इंट्रेक्शन एंड ही हैज टोल्ड मी दे आर नॉट सो मच फ्लुएंट इन इंग्लिश सो ही वॉज आस्किंग द क्वेश्चन टू हीज सुपरवाइजर ही वॉज ट्रांसलेटिंग टू मी सो बेसिक बेसिक क्वेश्चन so how you have done analytical modeling and what are the simulation you have performed and how you have published uh, uh, how you have uh, uh, published this paper and where what you have uh, in paper also he has asked where uh, uh, what you have driven uh, the information so this thing basic basic question about paper also first i have seen some paper also what you have given the information so this thing they have asked एंड इतना सिंपल को इंट्रैक्शन था कि मतलब कि कोई भी इजली इसको क्रैक कर सकता जब तक उनका आप में इंटरेस्ट नहीं है पहले तो इंट्रैक्शन होता नहीं है प्रोडक्ट में खासकर तो इनको बहुत ही इंटरेस्ट था क्यों मुझे लगता है कि जो भी इंडियन स्टूडेंट है अगर चाइना में अप्लाई करेंगे तो उनको तुरंत मिल जाएगा क्योंकि इंटरव्यू के दौरान मुझे पता इतना पता चल गया था कि दे आर सो मच इंटरेस्टेड एंड ही थिंक्स दैट वी आर वेरी मच कैपेबल ऑफ डूइंग एनी थिंग सो इनका एरिया में क्या था कि वो एक्सपेरिमेंटल पर काम करते थे मेरा मैं एरिया में सेम एरिया दोनों का नैनो पॉलिसी सो मैं एनालिटिकल मॉडलिंग पर भी काम करता था मैथेमेटिकल मॉडलिंग पे सो so, उनको चाहिए था कि अगर एनालिटिकल एक्सपेरिमेंटल यहाँ से हो जाएगा अब मैं एनालिटिकल मॉडलिंग कर दूँगा तो इनको फ़ायदा हो जाएगा सो so, ये भी उनको डर था कि मैं कहीं छोड़ ना दूं सो व्हाट आफ्टर द इंटरव्यू इंटरव्यूज टोल्ड मी सो नाउ ओनली वी कैन स्टार्ट द प्रोसेस एंड वी विल वर्क टुगेदर एंड वी विल पब्लिश अ पेपर सो ही हैज टोल्ड मी आई विल सेंड यू द डाटा द डाटा ऑलरेडी एक्सपेरिमेंट आई हैव डन सो यू हैव टू डू न्यूमेरिकल मैथमेटिकल मॉडलिंग सो ये उन्होंने बताया मुझे सो so ये एक्चुअली इंटरव्यू एक्सपीरियंस था अब उसके बाद आता है कि वो मुझसे क्या चाहते थे सो बेसिकली ही इन द इंटरव्यू इंटरव्यूज टोल्ड मी वाट ही वांट्स फ्रॉम मी सो ही हीज टोल्ड मी आई हैव ऑलरेडी आई पब्लिश गुड नंबर ऑफ पेपर सो ही हीज टोल्ड मी मिनिमम टू पेपर्स एस सी आई क्यू वन जर्नल्स आई हैव टू पब्लिश इन वन ईयर एंड इन सेकेंड ईयर अगेन आई हैव टू पब्लिश है सो इट वॉज एक्चुअली टू ईयर पॉ टोटल पोजिशन सो टू पेपर्स टोटल फोर पेपर्स कीज क्राइटेरिया एंड ही हैज टोल्ड मी दैट वी कैन स्टार्ट फ्रॉम टूडे इट्स वी कैन वर्क टूगेदर और अदर थिंग उन्होंने मुझसे बोला कि इफ यू आर नॉट एबल टू कम इन चाइना सो यू कैन डू ऑनलाइन ऑल्सो बट योर सैलरी विल बी सम लेसर सो ये उन्होंने मुझे बताया अब है कि दूसरा तीसरा अब अगला क्वेश्चन ये है कि क्या क्राइटेरिया है चाइना में होने के लिए सो एक्चुअली योर एज लिमिट शुड बी बिलो थर्टी फाइव ईयर्स ये आपका एज लिमिट थर्टी फाइव से ज़्यादा हो गया तो आपको नहीं चाइना में कंसिडर करेंगे पोडक पोजिशन के लिए दूसरा चीज ये है कि आपका पेपर पब्लिकेशन अच्छा होना चाहिए बस इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए पैंतीस साल से कम होना चाहिए और पेपर पब्लिकेशन अच्छा होना चाहिए और मेरे इंटरव्यू के बाद उन्होंने मुझे एक डॉक्यूमेंट सेंड किया था वो भी डॉक्यूमेंट मैं आपको शेयर करूँगा सो ही हैज़ सेंट मी अ डॉक्यूमेंट एंड दैट डॉक्यूमेंट हैज टोल्ड मी व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स एंड दैट रिक्वायरमेंट इज गिवन इन दैट डॉक्यूमेंट and that form i have to fill and i have to send it back to uh, back to him so and also the certificate which what are the certificate you have he has told that you have to get attested you have to get attested from the ministry of higher ministry of education from india so indian ministry of education you have to get attested so my सो माई डिग्री फ्रॉम आई आई टी गुवाहाटी देन ऑल्सो आई from in the Ministry of Education India so that I have to do सो so, ये जो भी चाइना में जाना चाहते हैं तो ये शायद ये आपको करना पड़ेगा क्योंकि उन्होंने मुझे ये बोला था तो हो सकता है जो एग्जैक्टली गए होंगे तो मैं उनसे कभी किसी से इंटरेक्ट करके आपको बताऊंगा कि क्या प्रोसेस था लेकिन मुझे ये बोला गया था तो मैं आपको बता रहा हूँ ये वो मुझसे ये चाहते थे और वो मैं आपको जो वर्ड फाइल उन्होंने अप्प्लीकेशन फॉर्म जो भेजा था वो अभी मैं आपके साथ शेयर करूँगा नाव जो अगला क्वेश्चन है वाई आई हैव नॉट गॉन तो इसका बहुत ही बेसिक रीजन uh, है सो फर्स्ट थिंग आई हैव टोल्ड आई एम वेरी मच इंटरेस्टेड टू वर्क इन इंडिया वनली आई डोंट वांट टू गो एनी वेयर इवेन नॉट चाइना इवेन यू के एनी वेयर आई डोंट वांट टू गो सेकेंड रीज़न था कि द uh, सीनियर्स They have given me the feedback that if you are doing the poor dog from the China, you will not get so much value in India. So you will not get the value when you are applying for the position a system professor provision in the NIT or IIT. And this Sandog University ranking one thing I forgot to tell you this ranking is around 490. Uh, it is below 500. So definitely you will get the marks for it. एंड इन आई नाइट इज बट यू विल नॉट गेट सो मच वैल्यू इन द इंटरव्यू आई थिंक से ऐसा हो सकता है so, सो इसीलिए मैं गया नहीं ना तो सैलरी कितना वो लोग ऑफर कर रहे थे तो मैं आपको एडवर्टीजमेंट ही शेयर कर दूँगा पी डी एफ आप देख सकते हो सो सैलरी ही वॉज ऑफरिंग टू लैक्स पर मंथ एंड वेन आई हैव आस्ड सर हाउ मच द टोटल एक्सपेंडिचर लाइक लॉजिंग फूडिंग एंड अदर एक्सपेंसेज सो हाउ मच इट विल टोटली कॉस्ट सो ही एज टोल्ड मी अराउंड फिफ्टी थाउजेंड इंडियन रुपीज इट विल टोटली कॉस्ट यू सो पचास हजार रुपया में आपका हो जाएगा तो डेढ़ लाख आपको देंगे और दो लाख देंगे तो डेढ़ लाख तो आपको बचेगा ही बचेगा तो दो साल के लिए आप जा सकते हैं तो आप अगर हिसाब लगाते हो तो एक साल का अट्ठारह लाख बचता है आपको दो साल में छत्तीस लाख आपको बच जाएगा तो ऐसा आपको ये फायदा हो सकता है तो आपको अगर कहीं नहीं हो रहा है इफ़ यू आर नॉट गेटिंग प्रोडक्ट पोजिशन एनी वेयर सो यू कैन अप्लाई फॉर चाइना और मुझे लग गया था इंटरव्यू के दौरान कि वो लोग इंडियन स्टूडेंट को बहुत ही रेस्पेक्ट देते हैं बहुत ही वैल्यू देते हैं नाउ सजेशन टू द पेरेंट्स सो दिस आर द फीडबैक आई हैव गॉट फ्रॉम द सीनियर्स दैट इफ यू आर डूइंग द प्रोडक फ्रॉम चाइना विल नॉट गेट सो मच रिकॉग्निशन इन इंडिया So I will suggest you if you are not getting anywhere, then you apply for the China. Definitely, your if salary package is good, then it is very good. You will survive there and you will save so much money. So that is very good. You can come in India if you are saving 36 lakh in two years and then come into India. So suppose one year you are not getting the job, then it is okay. यू कैन सर्वाइव easily. सो so, आपको ये अच्छा ऐसा मिलता है तो आप जाओ अगर नहीं कहीं हो रहा तो आप जरूर जाइए अगर नहीं कहीं होता है तो और ये भी ऑप्शन रहता ऑनलाइन भी वो बोले थे कि मुझे कि ऑनलाइन भी आपको मिल सकता है तो मान लीजिए कि ऑफलाइन में मुझे दो लाख मिल रहा था तो ऑनलाइन में मुझे एक लाख या डेढ़ लाख देते वो फिर भी सही था इंडिया में घर पे बैठ कर का आपके काम कर सकते थे मुझे सिर्फ ऑनलाइ ये करना था Uh, क्या बोलते हैं कि सिमुलेशन का काम करना था ऑनलाइन में क्योंकि उनको मेनली मैथमेटिकल मॉडलिंग में ज़्यादा इंटरेस्ट था क्योंकि वो लोग एक्सपेरिमेंट में ठीक थे मैथमेटिकल मॉडलिंग उनसे शायद थोड़ा वीक थे तो वो मुझे बता रहे थे कि उनके स्टूडेंट थोड़ा मैथमेटिकल मॉडलिंग अच्छा से नहीं कर पाते हैं तो मुझे उनको ये चाहिए था सो इट वॉज़ माई सजेशन एक्चुअली ओके सो हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे कि पोहडॉक्ट्रल ई मेल कैसे लिखते हैं